होमोसेक्सुअलिटी गे का ऑब्सेशन, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। लोग होमोसेक्सुअल्स होते हैं, गे होते हैं, एक्चुअली गे होते नहीं है लोग, लोग गे किए जाते हैं काफी सारे केसेस में। बच्चा रहता है और बच्चे के ऊपर कोई बड़ा लड़का एब्यूज करता है, बड़ा व्यक्ति अब्यूज करता है, कोई आसपास में उसके जो लोग रहते हैं कि जो गे ऑलरेडी होमोसेक्सुअल है वो उसका फायदा उठाता है, उसका अब्यूज करता है, उसको मास्टरबेशन करने लगाता है या उसका मास्टरबेशन करता है, उसके साथ में सेक्स करता है, उसको पैसिव पार्टनर बना के, और फिर एक बार सामने वाले व्यक्ति को उसमें मजा आने लगी तो फिर वो भी उसमें धीरे धीरे खींचे जाता है। कुछ लोगों क्या होता है कि उनका गलत फायदा उठाया जाता है, उनका सेक्सुअल अब्यूज हुआ रहता है, वो 2-3 बार होता है वो, और बाद में वो कभी उसमें गए भी नहीं। तभी भी मेरे पास में काफी ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो बोलते हैं उसका विचार हमको बार बार आता है कि भाई मैंने वो 3 बार होमोसेक्सुअलिटी की, मैं उसमें पैसिव पार्टनर था, मेरे भाई के दोस्त ने मुझे अब्यूज किया या घर के कोई रिलेटिव ने अब्यूज किया, और वो अभी तो कुछ नहीं है, अभी मुझे आकर्षण लड़की की तरफ है, मैं बायसेक्सुअल भी नहीं हूं, मतलब अभी होमो का आकर्षण भी नहीं है, मगर बार बार विचार आता है कि क्या मैं गे हूं, क्या मैं होमोसेक्सुअल हूं, और वो भी विचार आते रहता है कंटिन्यूअसली, क्या मैं सेक्स कर पाऊंगा, क्या मैं शादी कर पाऊंगा, और इतना विचार आता है मतलब ऑब्सेशन में, और उसको लगता है कि अपन वो होमोसेक्सुअलिटी के ग्रुप में है, उसको लगता है बार बार कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, देखो होमोसेक्सुअल्स के ग्रुप है, गे लोगों के ग्रुप से अलग अलग, वो फेसबुक के ग्रुप से, व्हाट्सएप के ग्रुप से, उस रात के मैं ग्रुप में जाके पढ़ा हूँ, मेरा नंबर वो ग्रुप में है, ऐसा उसको लगते रहता है और विचार आते रहता है। ये प्योरली ऑब्सेशन है, ऑब्सेसिव थॉट्स है, ओसीडी का पार्ट है ये, और उसका प्रेसिडेटिंग कॉज वही है कि उसको बचपन में उसके ऊपर अत्याचार हुआ था लैंगिक, और उससे वो चालू हो गया। इसमें इलाज वही है कि आप दवाई लेते हो SSRI, क्योंकि इसका कॉज जो माना जाता है कि भाई सेरोटोनिन लेवल्स ब्रेन में कम होती है, इसकी वजह से हो सकता है, तो सेरोटोनिन बाहर से दे दो, या ये जो थॉट्स आते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, तो उसको साइकोथेरेपी बिहेवियर थेरेपी से उसको ठीक करो। एक्सपोजर रेस्पॉन्स प्रिवेंशन ट्रीटमेंट जो है वो भी हम कर सकते हैं और हिप्नोथेरेपी भी कर सकते हैं, इससे पेशेंट ठीक हो सकता है। अर्ली स्टेज में यदि ज़्यादा आ जाते हैं लोग तो जल्दी ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको ऐसा नज़रअंदाज करके नहीं, कुछ नहीं होता छोड़ दो ऐसा होते रहता है, ऐसा ना करते हुए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर आपकी मदद करेंगे, हमारे ऐप है उसमें भी आप वीडियोस देख सकते हैं, हमारा सेक्स सॉल्यूशंस चैनल है उसमें भी आप देख सकते हैं वीडियो, आपको लगा अच्छा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हमारा जो मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बनिएगा। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।